हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। फांसी के पेड़े भाई, ये देखो बहुत हमारे मशहूर हैं, ठीक है। ये तब आते हैं जब जॉब आती है, ठीक है। और एक सुमन फांसी से हमारी बहन है, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। बहुत साल पहले शादी भी हो गई थी, इवन खेतों में जो जीरी का काम होता है वो भी किया है। मतलब एक मजदूरी का जो काम होता है, छोटा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन कोई बोले छोटा बड़ा नहीं होता, वो वही बोलता है जो अमीर होता है। छोटा बड़ा होता है एक तो घर बैठ के आराम से बच्चा स्टडी करे और एक दिन भर काम करे और फिर पढ़ाई करे। सुमन बहन ने बहुत मेहनत की है, बहुत पेपर क्लियर भी किए, फाइनल में रह गई और फिर हरियाणा पुलिस में अब उनका ज्वाइनिंग आ चुका है। और सुमन आज हंसी के पेड़े लेके आई है हमारे साथ, तो सुमन की तरफ ले जाओ। नमस्ते सभी को। स्टडी मंत्रा ने मेरे को बहुत अच्छा स्टडी दी है और मेरे पास पैसे भी नहीं थे ये बैच खरीदने के लिए। फिर मैंने मैम से बात की, उन्होंने 50% ऑफ में मुझे बैच दिया और मैंने दिन रात एक करके सुबह काम करती, 2 बजे आने के बाद मैं पढ़ती फिर शाम को, और मैंने ये काम हासिल किया है। इसके लिए स्टडी मंत्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सचिना है भाई, ग्रुप डी में 80 हैं, ये स्टडी मंत्रा की पहचान है। ये सचिना जो बार बार कमेंट करती है, इसकी आदत होती है, मैं बोलता हूँ सचिन भाई पढ़ ले, ये पीछे से ए लगाती सचिना है। तो आपका भी मेहनत आएगा, बस हम सारे गरीब घरों से उठकर आए हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, किताबें मत छोड़ना। यहाँ तक आए हो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि आपकी हार का इंतज़ार हजारों चेहरे कर रहे हैं जो खासकर अपने होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि एक बार किताबें छोड़ दी जीवन भर आपका वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, सिर्फ पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करते रहना।